अस्सलाम वालेकुम इवत, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे ही मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए अच्छा सा तरह ब्लॉग बना के आप लोगों को डिस्कस करूँ आपसे। डिस्कस करूँ? डिस्कस क्या करेंगे? आप कहाँ गई थी? कहाँ गई? इतने दिन बाद आई हैं आप। हाँ, ये बताएंगे कि क्यों गई थी, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, कैसे गई थी, क्यों गई थी, ये भी सब मेरी दोस्तों की मेहरबानी है कि आप लोगों को पता, मैं तो ज़्यादा घर में ही रहती हूँ, घर से टाइम ही नहीं मिलता इधर उधर जाने का। घर में जो है सारे मेरे जैसे घर की चीज़ें हैं वो फिर मुझे टेंशन देती हैं कि ये मेरी मुर्गियाँ घर में हैं, जैसे तोते घर में हैं, बिल्ली घर में है, उन लोगों की टेंशन लगी रहती है अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो। ये मैंने काफ़ी दिन जो है गुजारे उधर है, ये भी दोस्तों की मेहरबानी कि वो कर करके फोन के चलो आओ। कौन सी आपकी दोस्त है वो? जो ये एक तो ये जो मेरी दोस्त बुशरा है ना, ये हमारी गांव की भी है। उन्होंने तो आपकी बड़ी दावतें की हैं, बड़ी बिरयानी, बड़ी दावतें की, सारे बच्चों के साथ दावतें भी की। वो हमारे साथ ही डैम में भी गई थी। असल में ना उसका मेरे साथ शुरू से प्यार है, जब शादी नहीं थी उसकी हुई और मेरी भी नहीं हुई थी, हम एक गली के रहने वाले हैं। तो फिर उसकी शादी होगी इस्लामाबाद में, तो बाद में मेरी भी शादी होगी, फिर हम बड़ी देर बाद हम दोनों जाके मिली, तो इसलिए तकरीबन मेरा 15-20 साल बाद मिली फिर हम। क्योंकि मैं भी कभी नहीं उसका ख्याल किया था कि मैं किधर हूँ, ना उसने ख्याल किया। जैसे हम इस्लामाबाद गए ना, तो फिर ऐसे ही हमारी डिस्कस होगी, एक दिन हम बाजार में मिल गए तो फिर एक दूसरे के घर में आना जाना, वही पहले वाला प्यार। आपको दावत दी थी, यानी कि बचपन का प्यार फिर दोबारा से हमारा जो है ना जाग गया, बचपन का प्यार फिर दोबारा से जिंदा हो गया। हम दोनों जो है मिली एक दूसरे के साथ ऐसे ही। अभी उसने बहुत फोन किए कि आप आ जाओ, जब उधर गई है उसने फिर बुलाया भी उसने था और दावत भी फिर की बच्चों के साथ। 2-3 दफा उसने खाना बनाया कि आप इधर ही आके जितने दिन रहती हूँ। मैंने कहा नहीं, बच्चे साथ काफी है, तो घर में हम बना रहे थे खाना, वरना 2-3 दफा उसके साथ खाना खाया। एक दिन मैं तो हरून गया, फिर हम सारी फैमिली गए, फिर उसने सारी फैमिली का बनाया था। जो हम डैम में गए हैं उसने खाना सारा बना के उधर लेके गए, उधर हमने खाया, बहुत मज़ा आया उसके साथ। फिर एक और भी दोस्त थी, वो भी बार बार इनवाइट कर रही थी। एक और दोस्त अभी तो उसको मैंने, वो तो नाराज होगी, उसका तीन दोस्त है आपकी टीम कल वाली, वो जो एक के पास नहीं गई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो उधर हमारी इतनी अच्छी उसके साथ मीटिंग थी, मैंने एक वो दरस उसके साथ करके ना, तो अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता और काम इतने होते हैं कि वो इतना नाराज हो रही थी कल। उसने फोन किया कि आप क्यों नहीं आई, तो मैंने कहा कि अचानक ही मेरी, आप सबको तो खुश नहीं कर सकती ना, कुछ साथ बच्चे भी थे और इतनी इतनी प्रॉब्लम थी, बच्चे भी साथ थे और घर में फोन भी जा रहा था, कोई और भी टेंशन साथ साथ गुजर रही थी। मैंने उसको बोला कि मैं आ नहीं सकी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में आ रही हूँ वापस, फिर जरूर आपके साथ ही जो बकाया टाइम है ना, 2-4 दिन आपके साथ ही गुजार। इस्लामी वो जो है आपकी? हाँ जी, टीचर। तो वो ना ऐसे है कि उसके भी काफी तलका थे, कल भी उसकी मीटिंग थी, कहती कि आपने इस मीटिंग में आपने होना था, मैंने कहा बस मैं नहीं आ सकी हूँ। तो ऐसे ही है, शुक्रिया बहुत बहुत जो दोस्तें, कभी कभी बंदा परेशान होता है, दोस्तें हेल्प कर देती हैं कि ऐसे होना चाहिए बंदे को मूड चेंज करने के लिए, कि आए थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा बाहर का माहौल भी देखें। आप सारा दिन घर पर ही रहती हैं? हाँ जी, ऐसे है कि दोस्तें के साथ या अपने बच्चों के साथ कहीं जाए, क्योंकि जब आप भी इस मूड में होती थी आप भी इनको घुमाती थी। आप तो आई थिंक अपनी इस फ्रेंड बुशरा के साथ हज करने भी गई है ना साथ? हाँ जी, मैंने दोनों ने हज भी किया। अभी वो उमरा पे गई तो वो उसने मुझे इतना जोर लगाया, पिछले महीने में गई, कहती है आप ना आ जाओ मेरे पीछे, वीजा मैं लगाती तो आप आ जाओ। तो वो हमारे कुछ कोई काम था इस तरह, तो वो मैं नहीं जा सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ अगले महीने को, कोशिश जरूर करांगी उमरा पे जाने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई बंदे को जाना चाहिए, करना चाहिए, कोई टाइम हो तो बंदे को ऐसे निकलना चाहिए। वो मुझे तो उस वक्त वो कह रही थी कि आप आ जाओ, यानी कि उसका आप तो कब से प्रोग्राम बना रही है उमरा पर, उमरा का कब से? ऐसे साल, 3 साल से आप बोल रही है, घर के मसले खत्म नहीं होते हैं, 3 साल से आप बोल रही है मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, काम ही इतने होते हैं। मुझे अब आपकी इन बातों पर यकीन नहीं है, 3 साल से आप बोलती हैं। यकीन है, यकीन करना चाहिए, क्योंकि मेरे काम 3 साल से आप बोलती हैं मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी मैं इस तरह करूंगी, पर आप बस मुर्गी और तोतों का। मेरा तो बिबो का था कि हम दोनों जाएंगे कोई ना कोई, हमने कहा था उसको आप स्मार्ट कर देंगी पहाड़ों में ले जाके उसको सलाद खिला खिला के। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कहा था आपने। हाँ जी, आपको तो कर ही दिया ना स्मार्ट, मुझे तो कर दिया, जिस तरीके से भी किया कर दिया ना।
पर जैसे तरीके भी वो अभी मैं बेबो को भी कोशिश करती हूँ कि वो भी स्मार्ट हो जाए। वो डरपोक नंबर वन है। नहीं नहीं जैसे मेरा तुक्का लगा ना तो उसको मैं जरूर कराऊंगी। वो डरपोक है, स्मार्ट कराऊंगी। वो कैसे नहीं होगी, अभी मेरी कोशिश है उसको करने की। अच्छा हाँ, तो ये ऐसे ही अभी मेहमान आ गए, मैंने उसको बुलाया था कि मैंने कहीं जाना, मुझे लेके जाओ। तो अब आपके पास गाड़ी भी नहीं है, पहले तो आपकी दोस्तों की तीन तीन गाड़ियां गुजर रही थी, अब आप बाइक पे जाएंगी हैं। आप हर चीज का मजा ले लेती हैं, चिंची तो रिक्शे तो। ये बात नहीं है, मैं पहले भी बताती हूँ अपने व्यूअर्स को भी, अपनी फैमिली को भी, मैं घर फरमा वाला औरत हूँ। मुझे पैदल भी चलना पड़े तो मैं पैदल भी चल लेती हूँ, मोटरसाइकिल पे जाना पड़े और चिंग चिंग पे जाना पड़े रिक्शे में, मैं इतने नखरे नहीं करती हूँ। मैंने गाड़ी में हो गया तो गाड़ी में बैठना, ये मैं नखरे नहीं करती। अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने वो मेरे दो तीन काम थे तो मैंने वो लड़के को बुला लिया कि बेटा मोटरसाइकिल लेके आओ, तो मुझे ये जो एक दो काम करने हैं तो इधर हमने जाना वो करके हम आए। तो इसलिए मैं इतना नखरा नहीं करती हूँ। मेरा दिल है कि मेरी हर दोस्त से और बेटे हैं वो भी ऐसे नखरे ना करे, वो भी ऐसे ही रखे। सब आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा चना, मेरा चना है ना आपकी फ्रेंड? हाँ जी, मेरा चना तो वो मेरी दोस्त है। वो पूछ रही थी आपका कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बनाती। वो असल में वो भी व्लॉग मैंने काफी दिन हो गए ने, मेरी तबीयत बहुत खराब रह रही थी तो मैंने बिल्कुल जो व्लॉग है ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बोलने को, तो ना ही कोई बात करने। एनर्जी आपकी डाउन हुई हुई थी इसीलिए आपकी फ्रेंड्स ने बोला चलो। बिल्कुल बोलने को दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कैसे बोलूं और कैसे बात करूं। आप यकीन करें मेरी कुछ ना इस तरह के मसले मिसाइल घर में बच्चों के साथ चल रहे थे, मेरे बोल बोल के ना तो मेरा गला इतना खराब था, मेरी आवाज इतनी बुरी लग रही थी, मुझे खुद डरावनी अपनी आवाज लग रही थी। मेरी आवाज में बिल्कुल जो है ना वो प्यार नहीं रह गया था आवाज में, ऐसी मेरी आवाज चली गई थी। तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों को ये अपनी आवाज सुनाई करूँ कि वो सुने कि मेरी आवाज इतनी खराब हुई पड़ी है, गला बिल्कुल बंद हुआ था, फिर भी ये दोस्तों की कोशिश क्या करें ना। आपकी सारी इतनी सारी आपकी फ्रेंड्स हैं वो आपको देख के मोटिवेट होती हैं कि भाई हमें भी ऐसे हार्ड वर्किंग बनना है, ऐसे घर को आप इतनी एज में भी संभालती हैं, हर चीज़ करती हैं, अभी भी सब्जियां खुद लेकर आती हैं। यकीन करें जो मैं अभी काम शुरू किया है ना तो मेरा दिल नहीं करता, मैं दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी दोस्तें कहेंगी कि तुम जाने दो, तुम क्यों हमारी भी इंसल्ट करवाती कि तुम इतने काम करती, तो हमारे घर वाले भी कहेंगे आप भी करो। इसलिए कभी कभी बंदे अच्छा बंदा हेल्दी रहता है ना, चलता फिरता रहता है, हेल्दी तो रहता है बंदे की जो कभी कभी होता है। जैसे मैं कल जो सुबह सुबह उठी हूँ तो मैंने थकावट से आई हूँ तो ऐसे फिर भी मैं घर ही, तो घर में जब मैंने देखा है किचन में गई हूँ तो कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी बहू से पूछा कि किचन में कुछ भी नहीं है, कहती हम तो रोजाना ही उतना ही लाते हैं, तो जो बना थी हम फ्रेश लाते थे, हमने चीजें स्टॉक नहीं रखी। फिर मैं उसी वक्त वो नवासे को साथ लिया तो मैंने सारा सामान घर का लेके आई हूँ, घर की चीजें फिर आई हूँ, तो फिर इतनी मुझे थकावट होगी यकीन करो कि मैंने खाना खा के दिन आप बैठ गई उस फुहारे के अंदर गंदा पानी निकालने बाल्टियों के साथ है। आज ये सुबह सुबह उठी तो मैंने जैसे ही नमाज पढ़ी है तो पढ़ के मैं जब बाहर आई मैंने कहा चलो मैं ना मुर्गियों को बाहर निकालती हूँ, मुर्गियों को तो मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर वो जितना मेरा वो गार्डन था ना यकीन कर मुझे देख के रोना आ रहा था। फिर मैं सुबह के 3 घंटे लगाए गार्डन में, सब गार्डन को ना थोड़ी देर आप माली को छोड़ देंगी तो वो भी अपनी मर्जी से करके चला जाएगा। माली से घास जो था रात को उससे कटवाया था, घास उसे कटवाया था, बकाया जो पौधे थी वो आज मैंने सुबह से खुद लग के वो काटे थी, कुछ वो छोटा सा जो बना हुआ है वो सिंपल छोटी सी बनी हुई है उसमें पानी था, वो हमारी मोटर फाउंटेन वाला जो आपका है फाउंटेन जिसके अंदर उसका ना बीच में मोटर खराब है, तो वो इसलिए फिर मैंने बारिश हुई थी ना पिछले दिनों, बारिशों में पानी आ जाता है। मैंने सुबह बच्चों को बोला पानी नहीं निकाला, वो कहते हैं हमने कहा और बारिश हो जाए फिर पानी निकाल लेंगे, मैंने कहा ये तो गलत बात है, उधर इतना मच्छर जो है ना वो आपको पता है कि मच्छर बन जाता है, कितनी बीमारियां होती हैं, बैठे हो तो वो काटता है। मैंने फिर सुबह सुबह ने बच्चों की कोई बात नहीं सुनी कि वो बारिश और आएगी, जब मैंने कहा और आएगी तो फिर करेंगे। सुबह से मैंने इतना नीचे जाके मैंने चेयर साथ ले ली, वरना मैंने अपने विवाद को दिखाना था वो जरूर के कैसे मैंने मजे में। पर आपके जितने भी बनाने वाले थे सब सो रहे थे, जितनी लड़कियां थक जाती थी ना, थक जाती थी तो मैंने चेयर अंदर रख ली थी बीच में, तो आराम से मैं चेयर के ऊपर बैठ जाती थी, जब थक जाती थी उधर बैठ जाती, थोड़ा सा सांस लेके फिर काम करती थी। और गार्डन में अभी जाके क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, मैंने जल्दी से वो काम करके मैंने दूसरी जगह पे आना था तो इसलिए फिर मेरे पास टाइम नहीं था। इंशाल्लाह जाके मैं अपने व्यूअर्स को गार्डन दिखाऊंगी, गार्डन को मैंने किया अच्छे कमाल का किया हुआ, बहुत खूबसूरत बनाया। तो ऐसे जो है घर के काम बाहर के काम करना बंदे का, एक तो बंदा चुस्त रहता है तो एक बंदे को जरा। तो आप भी आप लोग भी अपने अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं।
क्यों नहीं करना चाहिए। यकीन कर हमारे घर में एक चूहा आया हुआ है, तो मैंने ना मैंने कहा कि अभी तक मरा नहीं वो, वो एक चूहे को ना मैंने मेडिसिन डाली, वो चूहा एक मर गया, दो जुड़ा था। तो उसने क्या किया कि वो जाके ना मैंने उसको मार दिया मेडिसिन डाल के, उसने क्या किया दूसरे चूहे ने जाके मेरी मशीन काट दी, वो जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है ना उसमें अंदर जाके उसकी तार काट दी। अभी उसमें पानी नहीं आ रहा, अब नहीं हो रहा वो, अभी नहीं आ रहा, अभी वो है, अभी कल फिर मैं उसके लिए मेडिसिन लेके आई, आज रात को जाके उसको डालूंगी। तो ऐसे घर में छोटे छोटे जो काम है ना वो फिर करने पड़ते हैं, जैसे वो सुबह मैं उठी हूँ तो वो पहले वो घास काटे हैं, फिर तोतों को पानी चेंज किया है और उसको दाना डाला है, मुर्गियों को दाना डाला है, फिर उसको खिला के उन लोगों ने अंडे दिए, फिर मुर्गियों को बाहर निकाला है। अब मशीन में नहीं रख रही आप अंडे ना? नहीं सर्दियों में रखी, मशीन में नहीं रखती, अभी गर्मी बहुत है, पहले रखे हैं वो खराब हो गए, बहुत खराब, बहुत ज्यादा, हां इसलिए नहीं रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो थोड़ा सा मौसम चेंज होगा फिर रखूंगी। तो अभी ना वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बातें होती रहेगी आपके साथ जिसका फिर दोबारा करूंगी, हम चीजें करके दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ बैठ के बता रही हैं कि रीजन क्या था। हाँ जी, असल में मेरे वो ना लड़का आ गया है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, उसने मुझे कहीं लेके जाना है, मेरी कोई दोस्त है उन लोगों के घर में मैंने जाना है, तो वो उसने लेके जाना, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी दोस्तों के साथ अपने व्यूअर्स के साथ दोबारा डिस्कस जरूर करूंगी, मेरे क्या क्या रीजन चल रहे हैं, क्या क्या मसले, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। कुछ तो मैंने बता दिया, मेरे गले की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बना रही थी, बिल्कुल मेरी आवाज जो है ना वो बहुत बुरी निकल रही थी। जब आप हाइपर हो जाती हैं, बच्चे बात नहीं सुनते तो आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से वो बोलने से थोड़ा सा कभी, असल में बात यह है कि मैं कभी जोर से बोली नहीं, ना मैंने किसी के साथ लड़ाई की है, ना घर में, जब मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ ना तो मेरा वो गला जो है ना उसकी आवाज ही खराब हो जाती है। पता नहीं ये क्या मसला, ये भी मुझे डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा, ऐसे क्यों होता है, टेस्ट भी नहीं कराया आपने अभी तक, थोड़े से बोलने से क्यों ऐसे होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ अच्छी से डिस्कस करेंगे कैसे हमारा उधर टाइम गुजरा और कैसे वो हमने किया, वो मैंने वो लोग अभी नहीं डाले, वो बने पड़े हैं, मैं डालूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डालूंगी या इंशाल्लाह आगे डालूंगी, वो भी आप लोगों के दिखाऊंगी, वो भी आप लोगों को रीजन भी बताऊंगी क्यों नहीं मैं लगा रही, क्यों नहीं किया, कैसे किया, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। आप जरूर देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी करना। तो इसके साथ आप लोगों से जात मांगती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज। झूले बच्चों ने लेनी है, अभी हम खाएंगे खाना, जी खाना हम बना के लाए हैं बिरयानी, खाना हम अपने लेके जाते हैं बाजार का।